हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ बजाज पल्सर 125NS BS6 मॉडल का, जो कुछ दिन पहले लॉन्च हुई है। और साथ ही साथ कुछ इसका अपडेट भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसमें क्या क्या नए फीचर आ रहे हैं और नए क्या क्या अपडेट मिल जाएंगे। दोस्तों, बजाज ने 125 सेगमेंट में काफ़ी बढ़िया बाइक लॉन्च की है। और इसके साथ ही दोस्तों, NS 200 आता है, जो सबसे पॉपुलर 200 सेगमेंट में है, और NS 160 आता है, और उसके बाद बजाज ने इसको लॉन्च किया है, NS 125 को। दोस्तों, इसमें आपको लुक्स में कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे, लुक्स सेम 200NS 160NS जैसा ही है, और केवल पावर में आपको चेंजेस मिलेंगे। इसके अलावा इसमें आप लोगों को और कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी प्राइस की। तो ये रांची झारखंड में 1,08,000 ऑन रोड प्राइस में अवेलेबल है दोस्तों, 1,08,000 में। और दोस्तों, इसमें आपको चार कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, एक रेड कलर का, और दूसरा ये जो ग्रे कलर आपके सामने दिख रहा है वो, और तीसरा सफ़ायर ब्लू कलर, और चौथा ऑरेंज कलर। इसमें नया कलर लॉन्च हुआ है, इसमें नया कलर एड ऑन हुआ है ऑरेंज कलर NS में। ये इस मॉडल में पहली बार आया है। 160 और 200 में ऑरेंज कलर नहीं आपको मिलेगा दोस्तों, केवल इसी में आपको ऑरेंज कलर मिलेगा, जो कि मुझे पर्सनली सबसे बढ़िया लगा ऑरेंज कलर। और वो अभी डीलरशिप में अवेलेबल नहीं था, इसलिए ग्रे कलर का ही मुझे रिव्यू करना पड़ा दोस्तों। और इसमें आपको 124.45 सीसी का इंजन मिलेगा, सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन के साथ, जो प्रोड्यूस करता है 11.6 BHP पावर 8500 RPM पे, और 11 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है 7000 RPM पे दोस्तों इसमें आपको 5-speed गियर बॉक्स मिलेगा चेन ड्राइव के साथ, वेट मल्टीप्लेट क्लच इसमें यूज़ होता है दोस्तों। चेन ड्राइव यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, चेन इसका दिया गया है, काफ़ी बढ़िया इसमें बड़ी चेन दी गई है। और इसमें दोस्तों आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, फ्रंट में आपको 240mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ, और 17-inch व्हील साइज मिलेगा 18 नंबर टायर के साथ डला हुआ है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया है। फ्रंट में आपको रिफ्लेक्टर मिलेगा, और रियर में दोस्तों आपको मोनो सस्पेंशन मिलेगा 17-inch का व्हील साइज के साथ, और 100 नंबर टायर इसमें डला हुआ है। पीछे ड्रम ब्रेक दिया गया है 130 का, ये आप लोग देख सकते हो। इसका मोनो सस्पेंशन काफ़ी मोटी दी गई है कंफर्ट के लिए दोस्तों। पीछे मड गार्ड में दोस्तों कार्बन फाइबर फिनिश इसमें आपको मिलेगा, और बेली पेन एग्जॉस्ट यहाँ पे दिया गया है, अंडर बेली एग्जॉस्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों। NS 200 और 160 में भी सेम ऐसा ही मिलेगा आप लोग को, अंडर बेली एग्जॉस्ट सीट सेम मिलेगा दोस्तों NS 200 जैसा। सीट में कुछ चेंजेस किए गए हैं डिज़ाइन, टैंक पैड सेम मिलेगा दोस्तों। फ्यूल टैंक इसका दोस्तों 12 लीटर का है, 12 लीटर का फ्यूल टैंक। क्लिप ऑन हैंडल बार यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेम दिया गया है दोस्तों, और मीटर कंसोल कुछ ऐसा दिखता है इसका, NS 160 जैसा ही है। और यहाँ पे इंजन ऑन ऑफ स्किल स्विच दिया गया है, सेल्फ स्टार्ट दिया गया है दोस्तों। BS6 है इसलिए इसमें आपको लाइट का कोई नहीं मिलेगा ऑन ऑफ करने का स्विच। यहाँ पे अपर डिपर का स्विच मिलेगा, इंडिकेटर का स्विच मिलेगा बीच में, और हॉर्न का स्विच मिलेगा, और पासिंग का आपको लेफ्ट साइड में स्विच मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे सामने से मैं इसका लुक दिखा रहा हूँ दोस्तों। फ्रंट में इसमें आपको हेलोजन लाइट मिलेगा दोस्तों, इसमें LED लाइट नहीं आता है। टेल लैंप LED, फुल LED टेल लैंप मिलेगा, इंडिकेटर नॉर्मल बल्ब का मिलेगा इसमें दोस्तों आपको। दोस्तों इस बाइक की वेट लगभग 144 kg है, 144 kg इसका वेट है। व्हील बेस है 1353mm का व्हील बेस है इसमें। सीट हाइट 805mm का सीट हाइट इसमें दिया गया है, 805mm का सीट हाइट दिया गया है। और इसमें जो चेसी यूज होता है वो पेरीमीटर टाइप चेसी इसमें यूज होता है, जो सेम पल्सर 200NS में होता है और 160NS में होता है दोस्तों। फुट पैड यहाँ पे रबड़ लगा हुआ आपको पेरीमीटर फ्रेम के पास मिल जाएगा दोस्तों,
और इसके अलावा इसमें और कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों। थैंक यू सो मच वीडियो के लिए।